हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक पर। दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। दोस्तों, क्या होता है विद्युत फ्लक्स, समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले इन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम में ये एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है और यह एक माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है। हमें और ये विद्युत बल रेखाएं हैं। दोस्तों, हमें पता है विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभी लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई पृष्ठ एज्यूम करते हैं, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से अभी लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इस पृष्ठ के अंदर या इस पृष्ठ से जितने भी विद्युत बल रेखाएं परपेंडिकुलर गुजरेंगी, उन सभी विद्युत बल रेखाओं की टोटल संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दोस्तों हम फाई ई से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई क्या है और डी एस क्या है। तो ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी एस है जो हम पृष्ठ लिए थे वहां पर, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और कॉस थीटा क्या है दोस्तों, तो थीटा यहां पर है जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच जो एंगल बनेगा, पृष्ठ के बीच का कोण। यहाँ पर हमें दो कंडीशन देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन क्या कहता है, अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है और जो पृष्ठ है वो उसके लंबवत रखा हुआ है, किसके, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ के ऊपर हम एक अभिलंब खींचेंगे। ये मान लीजिए पृष्ठ के ऊपर एक अभिलंब है। तो देखिए, ये अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना एंगल बन रहा है, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र और अभिलंब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा की जगह हम रखेंगे 0 डिग्री। अब देखिए, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उस पर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है, या उस पृष्ठ से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। इस कंडीशन में यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो हमें जो फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो मैक्सिमम होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है और पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के पैरेलल रखा हुआ है, ऐसे कुछ इस तरह से पैरेलल रखा हुआ है, तो इसके ऊपर अब एक अभिलंब खींचेंगे। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो अभिलंब है ये विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस
थीटा, थीटा की जगह हम रखेंगे 90 डिग्री। तो हमें पता है कॉस 90 का मान क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फाई ई हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि कोई पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन के परस्पर पैरेलल रखा हो, तो उस पर से गुजरने वाला विद्युत, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की रेखाओं की संख्या ज़ीरो होगी, या उस पृष्ठ से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका मान हमें ज़ीरो मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से किसी का भी भला हो सकता है दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।